हेलो एवरीवन, देखो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात कहना है कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। आप वहां पे डिस्कशन भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज का वीडियो होगा जो 3 ऑर्डिनेंस लाया गया है फार्मर से रिलेटेड, उसको लेके बवाल क्यों मचा हुआ है, क्या है इस बिल में, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। उसके लिए वीडियो अंत तक देखें। देखो अगर सही मायने में देखा जाए तो देश के किसान सबसे ज्यादा पीस रहे हैं, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो। कई सारे कानून लाए गए लेकिन सही से किसी कानून को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। भारत सरकार ने 5 जून को 3 बिल को टेबल किया था, तब से इस बिल को लेके विरोध कर रहे हैं, खास करके पंजाब और हरियाणा के किसान। चर्चा में अभी इसलिए आया क्योंकि इस बिल को पार्लियामेंट में लाया गया और वहां वॉइस वोट से पास कर दिया गया लोकसभा में, जिसको लेके अपोजिशन पार्टी ने बहुत हंगामा मचाया। उसके साथ साथ कैबिनेट मिनिस्टर हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया अपने पोस्ट से। इस बिल को एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने पार्लियामेंट में मूव किया और उन्होंने यह कहा कि यह बिल फार्मर को और ज्यादा लाभ देगा आने वाले टाइम में। उसके साथ इस बिल का कोई प्रभाव नहीं होगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP पे। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि यह बिल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी APMC, जो हर स्टेट का अपना कानून होता है, उसको यह बिल कमजोर नहीं करेगा। आइए जानते हैं क्या है इस बिल में। पहला, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। पहले जो नियम है उसके हिसाब से किसान को अपना फसल APMC में ही बेचनी होती थी, जिसमें प्रॉब्लम यह है कि यहाँ फसल वही बेच सकता है जिसके पास लाइसेंस हो। अब नए कानून से कोई भी किसान अपनी फसल मनचाहा स्थान पे बेच सकता है, चाहे अपने स्टेट में या फिर दूसरे स्टेट में भी। यहाँ तक कि ई ट्रेडिंग के जरिए किसान फसल को बेच सकता है। देखो आपको लग रहा होगा कि बहुत सी खुशी की बात है, तो जान लीजिए किसान की आपत्ति क्या है। किसान को सबसे ज्यादा डर है MSP को लेके, क्योंकि किसान यह सोच रहा है कि सरकार ने वन नेशन वन मार्केट का नियम तो बना दिया, लेकिन वन नेशन वन MSP को लेके कुछ नहीं कहा। पहले किसानों को मंडियों से MSP मिल जाता था, लेकिन अगर मंडियां ही नहीं रहेगा तो हमें MSP नहीं मिलेगा। हालांकि सरकार ने यह कहा कि MSP पे कोई इफेक्ट नहीं होगा इस बिल से। आते हैं दूसरे पे, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस 2020। सरकार का दावा है कि इस बिल के आने से खेती से जुड़ी सारे रिस्क किसान की नहीं, बल्कि जो उसे एग्रीमेंट करेंगे उस पर शिफ्ट हो जाएगी। किसान, एग्री बिजनेस करने वाली कंपनियां, प्रोसेसर्स, होलसेलर्स, एक्सपोर्टर्स और बड़े रिटेलर से आपस में कीमत तय करके बेच सकेंगे। उससे उनकी मार्केटिंग लागत बचेगी और दलाली भी खत्म होगा। लेकिन किसान को यह डर है कि ऐसे में बड़े बड़े कॉरपोरेटर किसान का शोषण करेंगे, क्योंकि इस बिल में कीमत तय करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। ऐसे में यदि कॉरपोरेटर से लड़ने का नौबत आया कोर्ट में, तो उस किसानों के पास ना इसका साधन है और ना इतना पैसा है। तीसरा बिल, आपको बता दूं कि अभी तक पहला दो बिल ही पास हुआ है लोकसभा में। तीसरे बिल का नाम है एसेंशियल कॉमोडिटीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। देखो अभी भारत में कृषि वस्तुओं के उपज सरप्लस में रहता है। पहले एक्ट के वजह से कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट में निवेश कम होने के वजह से किसानों को ज्यादा फायदा नहीं मिल पाता था। उसके साथ किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता था अगर फसल जल्दी सड़ने वाली हो तो। अभी के बिल से कोल्ड स्टोरेज और फूड सप्लाई चेन में मॉडर्नाइजेशन होगा, जिससे किसान को डायरेक्ट लाभ होगा। किसानों को यह आपत्ति है कि इससे जमाखोरी बढ़ेगा, जिससे कीमत में अस्थिरता बढ़ेगा। उम्मीद है सरकार बिल को अच्छे से इंप्लीमेंट करेगी, ताकि किसानों को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।